हम सब छोटे शहरों से रोजगार के लिए बड़े शहर जाते हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं पता होता कि आज इनको रोजगार मिलेगा या नहीं। आज नहीं मिला दिहाड़ी, आज आज क्या कल भी नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज, मैं हूं आपके साथ रागिब। हम सब छोटे शहरों से रोजगार के लिए बड़े शहर जाते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर कर सके और अपने बच्चों की का भविष्य हम लोग बेहतर कर सके। लेकिन जो आज हम जिन लोगों की कहानी आपको सुनाएंगे, ये लोग अपने छोटे शहर से बड़े शहर तो आ जाते हैं दिल्ली मुंबई जैसे, लेकिन इनको ये भी नहीं पता होता कि आज इनको रोजगार मिलेगा या नहीं, आज ये काम पर जा सकेंगे या नहीं, अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे या नहीं, आज इनको दिहाड़ी मिल सकेगा या नहीं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या समस्याएं आ रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूलचंद है। कहाँ से आए? हम यूपी से, जिला बुलंदशहर से। जिला बुलंदशहर से? बुलंदशहर। दिहाड़ी मजदूर का काम करते? जी, मजदूर का काम करते। आज नहीं मिला दिहाड़ी? आज आज क्या कल भी नहीं मिला, क्या करें? ये लोग कल से बैठे हुए हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जो हमारे साथ ये भाई बैठे हुए हैं, कल से इनको दिहाड़ी, कल से इन्होंने एक रुपया भी नहीं कमाया है। आपका क्या नाम हुआ? हरी सिंह। हाँ, हरी सिंह। हरी सिंह, हाँ जी। आप क्या करते हैं? कारपेंटर का काम। कारपेंटर का काम करते हैं। आपको भी, आप भी कल से ही बैठे हुए हैं? हाँ, कल भी नहीं लगा काम, आज भी नहीं लगा। आप कहाँ से आए? हम जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम श्रमिकों को जाने नहीं देंगे, कोरोना के बाद से जो लोग आए हैं उनको यही रोजगार लगाएंगे। तो आप? कुछ नहीं, हम आए हुए हैं दिल्ली में, यहाँ पे क्या नाम है काम, जिसे क्या नाम है महीने में 10 दिन लगता है, 20 दिन नहीं लगता है। और उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम श्रमिकों को वापस नहीं जाने दिए कोरोना के बाद, और यही अपने ही प्रदेश में हमने काम दिया है श्रमिकों को, लेकिन ये जो लोग हैं कल से रोजगार के इंतजार में बैठे हुए हैं। सरकारें देख ले, जो इलेक्शन के समय तो बड़े बड़े वादे कर रही है सरकार की, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ यार, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, हर आदमी परेशान। अरविंद केजरीवाल भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में हम उनको रोजगार दे रहे हैं, कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। हम तो दिल्ली वासी हैं, तो ना मिलना कुछ भी। अच्छा, आप तो दिल्ली के? दिल्ली गई हैं हम तो। सरकार मजदूरों के बारे में सोचे तो हम खाली क्यों बैठे हैं? ये उनके लिए भी है जो लोग अपने एसी कमरे में बैठे हुए हैं और बाहर की दुनिया का उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो एक ऐसी ज़िंदगी भी हमारे सामने है और इसी इंतज़ार में है कि शायद कोई आएगा, कोई काम देगा, तो आज कमा लेंगे कुछ और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। इस तरीके की और स्टोरीज हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए एयर न्यूज़ पे। शुक्रिया।